हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज हम आपके लिए एक और किताब की अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी अभी ही पार्सल आई है मेरे पास। चलो आइए अब इसको खोलते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी पैकिंग है। आजकल काफ़ी अच्छी पैकिंग में आती है किताबें। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सामान्य विज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया मंगवाया था। वैसे मेरे पास इंग्लिश का भी था, मैंने इसकी शायद अनबॉक्सिंग डाली होगी, आप चेक कर सकते हैं। बट मुझे ज़्यादा इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट, तो मैंने सोचा कि हिंदी का मंगवाते हैं, साथ साथ में इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी और हिंदी की भी। देख सकते हैं आप, इसकी एक कवरिंग हटाते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग है, एकदम नई है टेक्स्ट बुक। ये देख सकते हैं आप, यह अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया सामान्य ज्ञान विज्ञान का। देख सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसकी मुख्य विशेषता किताब की है कि एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तकों पर आधारित है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेष के अनुसार एवरीडे साइंस से संबंधित घटनाओं की व्याख्या, सर्वश्रेष्ठ 2000 वास्तविक प्रश्न भी दिए गए हैं इसमें। देख सकते हैं आप, ये संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं, SSC, रेलवे तथा अन्य सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बुक है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बुक है। देख सकते हैं आप भाई, अब हम आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी बुक है ये। वैसे तो लोग लूसेंट को भी काफ़ी प्रेफर करते हैं, आप चाहे तो लूसेंट की भी ले सकते हैं, सामान्य विज्ञान की चाहे आर्यन की ले सकते हैं। एक देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी बुक है ये, देख सकते हैं। आइए अब हम आपको इस किताब के विषय सूची के बारे में बता देते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, इसमें कैसे कैसे बताया गया है। पहले इसमें भौतिक विज्ञान के बारे में बताया गया है। फिर अगला टॉपिक है रसायन विज्ञान के बारे में, मतलब केमिस्ट्री। और ये कंप्यूटर का नॉलेज भी बताया गया है इसमें, देख सकते हैं आप। जैसे इसमें पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान फिजिक्स का, मात्रक मापन तथा त्रुटियां, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बुक है। आइए अब हम आपको बता देते हैं जो मेरे पास पहले थी इंग्लिश की। ये देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश वाली थी मेरे पास, ये रिवाइज एडिशन है। इसका एक एडिशन और भी था पहले, बट ये लेटेस्ट वाला था। देख सकते हैं आप, सेम टू सेम वैसी है ये, बस ये एक इंग्लिश में एक हिंदी में है। वैसे मैं आपको राय दूँ तो आप जब भी सामान्य विज्ञान की साइंस वाली बुक पढ़ें, तब एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों को लेकर साथ में पढ़ें, क्योंकि कुछ हिंदी में वाक्य ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते हैं साइंस के कि ये क्या है। तो इसलिए आप हिंदी के साथ भी उसकी कंपेरिजन करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और आप कोई एक किताब पढ़ने पर चाहिए, क्योंकि ये हर एक पेपरों में आता है जनरल साइंस का, और काफ़ी एरिया कवर करते हैं ये पेपर के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं आप, जैसे आइए आपको हम बताते हैं हिंदी और इंग्लिश का, जैसे इस कंपेरिजन करके। जैसे ये वाला टॉपिक है ऑप्टिक्स का, इसमें भी निकालते हैं इसको, यह 137 पेज। इसमें नहीं है, इसमें पेज अलग अलग हैं। एक मिनट आपको बताता हूँ निकाल के मैं। ये देख सकते हैं, जैसे मैंने निकाला ऑप्टिक्स, तो जब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है प्रकाशिकी, उसके साथ में नीचे दिया है इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम प्रकाशिकी किरणें, रेज ऑप्टिक, वैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे जी टॉपिक, जैसे प्रकाश की किरणों का
अपवर्तन फैलाव आदि रेखीय गठबंधन के रूप में होता है। जैसे वो हिंदी में काफ़ी मुश्किल होती है साइंस की परिभाषा को देखना, तो हम उसको साथ में इंग्लिश में भी देख सकते हैं, फिर हमें काफ़ी पढ़ने में आसानी हो जाती है। देख सकते हैं इसी ज्ञान को हम इंग्लिश में देखेंगे तो जैसे रेज ऑप्टिक्स, इट डिटेल्स विद लाइट्स रेज लीनियर प्रोपेगेशंस ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन इट इज। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये पढ़ेंगे आप, आपकी इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी, साइंस की और हिंदी की भी। आप ऐसे दोनों एक साथ कंपेरिजन करके पढ़ सकते हैं, और इसमें काफ़ी MCQ भी दिए गए हैं, वास्तविक प्रश्न देख सकते हैं। जैसे इसमें जितने भी आपको MCQ बताए गए हैं वो किसी न किसी पेपर में आए होंगे। जैसे ये RRB NTPC में आया था 2016 में, RRC 2013 में आया था, NDA 2014 में। इसमें जितने भी आपको MCQ दिए रहेंगे वो सभी किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, इसमें वही दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी ये परीक्षाओं में आए हैं, आपकी MCQ की तैयारी भी हो जाएगी इससे। देखिए जैसे ये SSC CGLTR 1 में आया था ये वाला क्वेश्चन, चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, जैसे ये किस में पाई जाती हैं, 31 का आंसर है सी, तो उसका सी आंसर होगा आमाशय में। ऐसा आप तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बुक है ये। चलिए आशा करते हैं आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, इसी तरह हमारे वीडियो को पसंद करते रहें, और हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे वीडियो को काफ़ी सराहना किया है और हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। हम आपके लिए ऐसे अलग अलग नई नई किताबों की अनबॉक्सिंग लेकर आते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।